जो राजनीति और समाज है जहां पर इस समय जिस बिंदु पर हम इस समय खड़े हैं वो आपको बहुत तरह के संतोष भी दे सकता है और बहुत तरह का डिसकंटेंट भी पैदा कर सकता है कि ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। और समाज की जो गति है, इतिहास की जो गति है, उसमें हम लोग इस समय कहां पर खड़े हैं, क्या हम जहां से अपनी यात्रा शुरू किए हैं वहां से आगे बढ़े हैं या हम पीछे जा रहे हैं या हम किसी गतिरोध के शिकार हैं। मेरी पूरी बातचीत मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट की, इसी पर मैं अपनी बातचीत केंद्रित करने की कोशिश करूंगा क्योंकि विषय इतने सारे हैं। मेरा मानना है और ये मेरी सुचिंतित सोच है कि भारतीय समाज और राजनीति का जो एक दौर था जो 1947 के बाद, खासकर 1950 के बाद शुरू हुआ और इसके बाद भारत में अलग अलग समाजों से, अलग अलग समुदायों से, समाज शब्द का मैं बहुवचन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लूरल में बहुत सोच समझ कर कर रहा हूँ, क्योंकि भारत जो साहब ने भी बार बार अपने थियोराइज किया कि एक समाज नहीं है, बहुत खंड खंड में पड़ा हुआ और लेयर्ड सोसाइटी है। और तो भारतीय समाज क्योंकि बहुत सारे लेयर्स में है और लेयर्स के बीच में ग्रेडेशन है, ऊपर और नीचे के भेद हैं, तो जो राजकाज में और देश के निर्माण में अगर कोई सबकी भूमिका नहीं होनी है तो ये राष्ट्र नहीं बनना है। इसलिए बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर संविधान सभा में एक टर्म यूज किया और बार बार यूज किया। आप अगर उस पूरे कार्रवाई को देखेंगे तो नेशन इन द मेकिंग वो कह रहे हैं कि सब लोग आएंगे तब राष्ट्र बनेगा, इसके बगैर ये राष्ट्र नहीं है, ये एक दूसरे से लड़ते टकराते घृणा करते नफरत करते लोगों का समूह है। तो इसमें राष्ट्र बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय संविधान था जिसमें कि बहुत असहमतियां थी। बाबा साहब ने उसका उसकी ड्राफ्टिंग की, लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा साहब जैसा चाहते होंगे वैसा ही पूरा पूरा संविधान लिख दिया होगा, वो संभव भी नहीं था। पूरी संविधान ने उसकी रचना की, लेकिन एक बात पर सहमति थी कि राष्ट्र को बनना है। भारतीय इतिहास में भारत का ये नक्शा कभी नहीं था, ये कभी कल्पना में पूरे 2000-2500 साल पीछे तक जाएंगे तो इस ये राष्ट्र नहीं है, ये नया राष्ट्र है। राष्ट्र बनते हैं, आप इस साल जनरल नॉलेज की किताब में राष्ट्र की जितनी संख्या है अगले साल की जनरल नॉलेज की किताब में उतनी संख्या नहीं रह जाएगी, एक तो पढ़ता है जनरली, कई बार घटता भी है। तो राष्ट्र बनते बिगड़ते हैं, अभी जैसे यूगोस्लाविया के दो तीन राष्ट्र निकल आए, तो ये हमेशा एक प्रोसेस में रहता है। तो भारत में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो नेशन मेकिंग का प्रोसेस है, उसके लिए प्रोजेक्ट भारतीय संविधान आया जिसमें कि तमाम तरह के क्लॉज आए, जैसे आर्टिकल 40 जब कह रहा है समानता की बात, तो उसके तुरंत बाद के आर्टिकल में ये कह रहा है कि कहा जा रहा है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। उसके बाद का आर्टिकल 64 कह रहा है कि रिजर्वेशन का प्रोविजन हो सकता है जो लोग पिछड़े हैं और जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट था, नेशनल प्रोजेक्ट ये था। मेरा मानना है और आप कृपया इस बात को बहुत गंभीरता से लें कि हमारा ये नेशनल प्रोजेक्ट इस समय खतरे में है। खतरे में ये नहीं है कि आरक्षण खतरे में है, लोगों की नौकरियां खतरे में है या लोगों का विकास जो है वो रुक जाएगा। दरअसल इस राष्ट्र को बनाने का जो नेशनल प्रोजेक्ट है, जो एक राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा सपना था, वो आज खतरे में है, क्योंकि अब जो इस समय का शासन है वो ये नहीं मान रहा है कि राष्ट्र निर्माण में हर किसी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। वरना कोई कारण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि 11 लाख परिवारों को उनके चल जमीन से उजाड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकता था अदरवाइज कि SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया जाए। ये संसद में 48 घंटे के अंदर में फैसला नहीं हो सकता था कि सवर्णों का आरक्षण दे दिया जाए। सवर्णों का आरक्षण किसी भी स्क्रूटनी में कैसे खराब करता है? आर्टिकल 64 ही तो अकेला क्लॉज है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। दो प्रोविजंस हैं कि पिछड़ापन और दूसरा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। इन दो चीजों पर सवर्ण समुदाय कहां पर भी उसका क्या सामाजिक पिछड़ापन है, क्या वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है? दोनों स्क्रूटनी में वो खड़े नहीं है, इसके बावजूद उनको 48 घंटे में दे दिया जाता है। पूरे देश का पॉलिटिकल क्लास कुछ अपवाद को छोड़कर उसके लिए तैयार हो जाता है। तो दरअसल इस देश को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी प्रक्रिया इस समय खतरे में है। दरअसल खतरे में आरक्षण नहीं, ये पूरा राष्ट्र है। ऐसे समय में जब खतरा इतना गंभीर है,
इस राष्ट्र के होने की वजह से, इस राष्ट्र में संविधान होने की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में कम से कम 3 से 4 करोड़ का मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है। ये भारतीय इतिहास के नहीं विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है। इतनी बड़ी संख्या में किसी डिप्राइव्ड कम्युनिटी से इतनी बड़ी संख्या में मिडिल क्लास का फॉर्मेशन विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इतनी बड़ी क्रांति को रोकने की कोशिश इस समय हो रही है, और अगर हम लोगों ने इसको हो जाने दिया तो हम सब इतिहास के अपराधी होंगे। हम इतिहास के अपराधी इसलिए भी होंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को नौकरियां नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटीज में और सरकारी नौकरियों में और रेलवे वगैरह में भी अब रोस्टर वगैरह लगने लगा है, तो नौकरियां नहीं मिलने की वजह से हम अपराधी नहीं होंगे। अपराधी हम इसलिए होंगे कि भारतीय राष्ट्र को बनाने का जो सपना बाबा साहब और सारे लोगों ने देखा था, उस पूरे सपने को हम लोगों ने अपनी खुली आंखों से ध्वस्त होते हुए देखा और कुछ नहीं किया। क्या हम इस अपराध के हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या हम अपनी आंखों के सामने भारतीय राष्ट्र को नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं? क्या हम संविधान को नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हर दिन हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब हमें नहीं मालूम है, हमें से मतलब कोई आदमी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो नहीं जिसको नहीं मालूम कि 64 का वायलेशन हो गया, 48 घंटे में हो गया, इस पर राष्ट्रीय चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। आप सवर्णों का आरक्षण दे रहे हैं क्या भाई? क्यों मतलब, क्या मतलब क्यों दे रहे हैं? क्या क्या आधार है? आप इसे बात ही नहीं करने दे रहे हैं। आपने रात को एक्ट बनाया, सुबह आपने लोकसभा में पेश किया, 6 घंटे में बातचीत में आपने पास करा दिया, राज्यसभा में पास करा दिया, आप उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी लोग मांग रहे हैं तो उसकी स्क्रूटनी नहीं हो रही, उस पर जो पिटीशन फाइल हो रहा है उस पर आप उसकी अनिवार्य सुनवाई नहीं दे रहे हैं, जबकि आरक्षण का कौन सा क्लॉज ऐसा है जिस पे कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, उसके बाद वो लागू होता है कुछ वाटर डाउन होकर, लेकिन ये अकेली ऐसी चीज है जो धल्ले से लागू की जा रही है, हमारे आंखों के सामने हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। मोटे तौर पर सच यही है, पॉलिटिकल क्लास ने इस पर कोई एक्ट नहीं किया, एसपी बीएसपी सारे इसमें इतिहास के अपराधी हैं जिन्होंने इसको होने दिया और बात नहीं की। लेकिन इसको नहीं करने का ऑप्शन है, हमारी पसंद की पार्टियां हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, पर इस बार हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी रुके। जैसे किसने कहा कि सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगा, आपने कहा सरकार, सवाल ये है कि हारेगा, लेकिन क्या इतिहास का जो अपराध है, इतिहास का जो इतना बड़ा अपराध हो गया संसद के अंदर 48 घंटे के अंदर में सवर्णों का आरक्षण दे दिया गया, पूरे संविधान को की ऐसी तैसी करके और पार्टियां चुपचाप रह गई, ये कोई छोटा अपराध है? ये कोई ऐसी बात नहीं है क्या? मतलब अगर हम भी नहीं, हमारे ऐसे लोगों को तो नहीं लेना है पार्टियों से कुछ, हम तो कहेंगे आपको बुरा लगे तो लगे। और जैसे अब प्रोफेसर बेजन साहब ने जो कहा उसको लेकर हो सकता है कि कुछ पार्टियों को बुरा लगे, लेकिन बुद्धिजीवी अगर अपना ऐतिहासिक दायित्व भी नहीं निभाता है और गलत को गलत कहने का साहस भी नहीं रखता है तो फिर तो मतलब है क्या, फिर वो है क्यों, उसका जरूर क्या है? तो पार्टियों को कोई तो बताएगा कि आपने जो किया मुझे लग रहा है गलत है, मुझसे आप सही हो, आज जो कीजिए बताइए कि आपने जो किया स्वर्ण आरक्षण को समर्थन वो सही है क्या? आप उसको इसको तर्कों के साथ आइए, हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं, हम संविधान सभा की सारी बहस रख देते हैं, क्यों एससी एसटी ओबीसी को ही आरक्षण दिया गया, क्यों सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया गया, इसकी संविधान सभा की पूरी बहस है, इसमें आप फुले से लेकर अंबेडकर को लाइए, कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो कह रहा है सवर्णों का आरक्षण दिया जाना चाहिए? आपने दिया और इसको होने दिया, हमारे हम जिन पार्टियों को अपनी पार्टियां मानते हैं उन्होंने इसको होने दिया, तो ये सवाल मुझे लगता है कि न पूछा जाना भी एक आपराधिक कृत्य है, और उस अपराध में कम से कम मैं शामिल नहीं हूं, मैं कुछ को अपराध नहीं हूं, और इतिहास में लिखा जाएगा तो मैं ये कर सकता हूं कम से कम कि जब ये हो रहा था, मेरी बहुत छोटी सी आवाज है जो आवाज शायद कमरे के बाहर भी पता नहीं जाती है, नहीं जाती है तो वो बहुत सारे दरवाजे और दीवार मोटी दीवारों के बंद की आवाज है, लेकिन मैंने जो सही लगा उसको कहने का ना दायित्व निभाया है, एक ऐतिहासिक कर्तव्य मैंने अपना निभाया है। हो सकता है कि मेरी बात पसंद न आए, हो सकता है कि आपको लगे कि जिस समय बीजेपी के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है तो आप ये क्या अलग सी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको नहीं करता तो ये अपराध होता, तो इसलिए करना जरूरी है। और एक बात मैं करके खत्म करना चाहूंगा कि अगर इस राष्ट्र के निर्माण में जो 85% आबादी है और सवर्णों की महिलाओं को भी ले लें तो ये 90 से 92% की आबादी हो जाती है, इसकी अगर समुचित हिस्सेदारी सारे इंस्टीट्यूशंस में नहीं है तो इस देश में राष्ट्र का निर्माण होना नहीं, इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही लोकतंत्र लागू होता है, इसी जुडिशियरी के जरिए, इन्हीं पीएसयूज के जरिए, ये जो बोर्ड बने हुए हैं, सारे कमीशंस हैं, संविधान इन्हीं के जरिए तो लागू हो रहा है, और ये जो लागू करने वाली संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस का बहुत महत्व है लोकतंत्र में, और इन इंस्टीट्यूशंस में, इनमें से ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस, एक से पार्लियामेंट छोड़ दीजिए तो वो
रिप्रेजेंटेड नहीं है समाज के ज्यादातर लोगों के जरिए के माध्यम से। तो इतने अनरिप्रेजेंटेड इंस्टीट्यूशंस के जरिए अगर इस देश में लोकतंत्र लागू हो रहा है तो वो लोकतंत्र दरअसल नहीं है। और इस लड़ाई ये भी लड़नी पड़ेगी, ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए कि पीएससीयूज का बोर्ड बनता है, उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता है, राज्यों के वकील नियुक्त होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में राज्यों का पक्ष रखते हैं, ये सारी अकादमियां हैं यहाँ पर। एक एक जो इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर है कम से कम उसका मेरे ख्याल से 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, लेकिन हमने कहीं पूछा भी नहीं कि आप उसका जो बोर्ड बनता है उसमें क्या सरकार का कोई मेंबर आज तक नहीं आया। ये और ये चिंता का विषय भी नहीं है, हमारी नजर अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे नहीं है। राजदूत क्यों नहीं बनना चाहिए? आप 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उसमें शुल्क आज की तारीख में कोई अगर आदमी नहीं है तो ये हमारे चिंता कारण होना चाहिए। और इसलिए नहीं कि हमारा एक आदमी नहीं है वहां पर, इसलिए कि वो संस्था भी काम ही नहीं करेगी, वो इंस्टीट्यूशन लोकतंत्र के लिए काम ही नहीं करेगा, वो सबको साथ लेकर चलने का कभी वो उसकी कल्पना ही नहीं होगी। तो फिर वो राष्ट्र बनेगा नहीं, वो फिर वो 7.5% हिंदू प्रकाश मेल का राष्ट्र होगा। तो ये दरअसल हो गया इस समय सारे इंस्टीट्यूशन के साथ। तो दो सवाल हैं कि इस समय संविधान की रक्षा हो, आरक्षण की रक्षा उसमें महत्वपूर्ण सवाल है, 13 पॉइंट का सवाल है, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। मंडल कमीशन जैसे साफ साफ कहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई कंपनी सरकारी लोन ले रही है या सरकार से सस्ती जमीन ले रही है तो उसको आरक्षण देना होगा, मंडल कमीशन कहने के उद्देश्य में लागू है। लेकिन क्या हमने पूछा कि भाई आप ये जो रिलायंस है और विप्रो है और ये सारी बड़ी कंपनियां इंफोसिस है, आप तो 1 रुपए के लीज पर इतनी बड़ी जमीन आपको नोएडा गुड़गांव मिल गई तो आप आरक्षण कैसे नहीं दोगे? तो ये प्रश्न दरअसल पूछे भी नहीं गए, बहुत सारी जगहों पर हमें नजर भी नहीं गई है। वो जो पावर के एक्चुअल सेंटर्स हैं, अभी हम हमारे लिए दरोगा बन जाना, परिवार में एक टीचर की नौकरी मिल जाना, ये सब बड़ी अचीवमेंट्स हैं। मतलब डेफिसिट जो है वो ड्रीम्स का भी डेफिसिट है, सपनों का भी डेफिसिट है। तो इस वजह से ये सारी समस्या आ रही है। तो मुझे लगता है कि मैं खुलकर सुनने ही आया था, तो इस तारीख को मैं निभाता हूँ और आप लोगों से फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।